नवंबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का कुछ कुछ जिला में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश हुआ है खुर्दा जिला का जाटनी में 30.0 मिलीमीटर, उसके बाद चिलिका में 23.0 मिलीमीटर, कंधमाल जिला का कोटागढ़ में 15.0 मिलीमीटर, नयागढ़ जिला का उड़ागांव 14.7 मिलीमीटर, भुवनेश्वर सिटी में भी बारिश हुआ है हल्का बारिश 3.7 मिलीमीटर। मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर में अभी हमारा आज सुबह मिनिमम टेम्परेचर लोअर साइड था झारसुगुड़ा में 16.2 डिग्री सेल्सियस, केरी 13.7 डिग्री सेल्सियस, विक्रमेट कोल्ड यूनिट हमारा भुवनेश्वर कोरापुट में था हिल स्टेशन 13.2 डिग्री सेल्सियस, और भुवनेश्वर सिटी में टेम्परेचर था मिनिमम आज सुबह 23.6 डिग्री सेल्सियस, स्वाभाविक से 2.4 डिग्री ज़्यादा था। अभी हमारा मेनी मेनी प्लेसेस में ही स्वाभाविक से 2 से 4 डिग्री तक ज़्यादा है मिनिमम टेम्परेचर। फोरकास्ट अभी जो है हमारा अगला 2 दिन में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश का पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 24 आवर्स में साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट बोध कंधमाल कालाहंडी नवरंगपुर रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी सब जिला में एक दो जगह करके बारिश का पॉसिबिलिटी है, बाकी जिला में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। फिर कल भी हमारा कोरापुट मलकानगिरी रायगढ़ गजपति जिला में एक दो जगह में बारिश हो सकता है, बाकी जिला में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। फिर 8 तारीख से 12 तारीख तक सभी जिला में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है, और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर में अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। 24 आवर्स का बाद सब्सिक्वेंट 2 दिन में 3 से 4 डिग्री तक फॉल करने का चांसेस है मेनी प्लेसेस में। भुवनेश्वर सिटी में जो है अभी आज पार्टली क्लाउडी स्काई रहने का चांसेस है, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 रहने का चांसेस है, कल मिनिमम 23 के आसपास रहने का चांसेस है।